अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं M4ZTech। आज मैं आपके लिए एक नहायत सादा और सिंपल सा सॉफ्टवेयर लाया हूं जिसका नाम है सी क्लीनर। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल सा सॉफ्टवेयर है और इसका लेआउट भी काफ़ी सिंपल है, इंटरफेस भी काफ़ी इजी टू यूज़ है। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम की जो जंक फाइल होती हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली काफ़ी यूज़फुल सॉफ्टवेयर है और जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं तो उनके सिस्टम में ये फाइल्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं और ये सिस्टम की ओवरऑल जो स्टोरेज होती है उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा घेरे रखती हैं। तो बेसिकली ये उन फाइल्स को क्लीन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन इसका क्लीनर का है, दूसरा रजिस्ट्री का है, तीसरा टूल्स और चौथा ऑप्शंस का है। जो पहला ऑप्शन है ये आपको क्लीनर के सूरत में नज़र आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक एनालाइज का और दूसरा रन क्लीनर का है। बेसिकली जब आप एनालाइज के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, अभी चूंकि मैंने रिसेंटली इसको क्लीन अप किया था तो ये यहाँ पे तो कोई फाइल शो नहीं करेगा। आई होप जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर जो भी जितनी तादाद में फाइल्स वो मौजूद होंगी, क्वान्टिटी यहाँ पर ये शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने उन फाइल्स को एनालाइज करवाना है ताकि ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर आपको बता सके कि वो कितनी MB या कितने GB के साइज़ के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपने इस दूसरे ऑप्शन की तरफ शिफ्ट करना है और उसको रन क्लीनर का ऑप्शन जब आप दबाएंगे तो वो लिटरली सारी की सारी फाइल्स को आपके सिस्टम से क्लीन आउट कर देगा। इससे ये होता है कि दोस्तों आपकी जो ओवरऑल विंडो की परफॉर्मेंस है और एफिशिएंसी आपके सिस्टम की काफ़ी बेहतर रहती है, स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है और सिस्टम ओवरऑल स्टेबल चलता है। तो दोस्तों, ये था आपका सॉफ्टवेयर, आई होप आपको पसंद आया होगा आज का ट्यूटोरियल। हमारे चैनल M4ZTech को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।